तो यहाँ पर एसएससी सीएचएसएल एग्जामिनेशन 2021 22 सॉरी 22 23 का जो एग्ज़ाम हुआ था टीयर वन, उसके आंसर की जारी कर दी गई है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ऑफिशियली नोटिफिकेशन है, और यहाँ पर जो टीयर वन है, ठीक है, इसके आंसर की आप जो है देख सकते हैं कब कब यहाँ पर एग्ज़ाम हुआ है, और आज 31 मार्च से लेकर जो है 3 अप्रैल 2023 तक इसके आंसर की आप देख सकते हैं, ठीक है। ये नोटिस है, और यहाँ पर आप आएंगे तो देखिए इसमें एक लिंक भी अवेलेबल करवा दिया गया है। तो ये नोटिस आप लोगों को मिलेगा ऑफिशियली वेबसाइट पर, लेकिन अभी वो ऑफिशियली जो वेबसाइट है वो वर्क नहीं कर रही। तो आपको आंसर की कैसे देख करना है, देखिए यहाँ पर आपको आ जाना है गूगल क्रोम ब्राउज़र में, और यहाँ पर आप लोगों को जो है डेस्कटॉप मोड ऑन कर लेना है, एक वेबसाइट सर्च करना है हरियाणा जॉब्स, ठीक है, हरियाणा जॉब्स करके वेबसाइट है, इस पर आपको सर्च कर लेना है गूगल में या डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, लिंक वहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आएंगे एसएससी सीएचएसएल आंसर की 2023, और यहाँ पर आपको नीचे लिंक मिलेगा डायरेक्टली आंसर की का। आपको ऑफिशियली वेबसाइट पर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सर्वर वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, क्योंकि एसएससी जीडी वालों का रिजल्ट आना है, तो उस वजह से काफ़ी स्टूडेंट वहीं पर काफ़ी ट्रैफिक बढ़ाए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप नोटिस भी डाउनलोड कर सकते हैं, और यहाँ पर देख पा रहे हो कि एसएससी सीएचएसएल आंसर की 2023 लिंक करके, और इसको एक्टिव पे दिया है, और इस पर आपको क्लिक करना है आंसर की पे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, सिंपल सा आप लोगों का यूज़र आईडी और यहाँ पर पासवर्ड। यूज़र आईडी मतलब आपका जो रोल नंबर है आपके एडमिट कार्ड में दिया होगा वो आपको डालना है, ठीक है, जो भी है। उसके बाद यहाँ पर जो आपका पासवर्ड है वो डाल के आपको लॉगिन करना है, ठीक है।